प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड क्या है बी ए इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है जो आपको कोर्स ऑफर्ड हो रहा है उस कोर्स का नाम क्या है बी ए इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है बाकी डी में क्या है या फिर और अदर यूनिवर्सिटीज में क्या है वो आपको आप आपके पास चॉइस होती है कि आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो वो कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो केरला वाला ने बोला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने बोला नहीं हम आपको क्राइटेरिया खुद से बता रहे हैं यही क्राइटेरिया चूज करना है अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में आना है तो वो क्राइटेरिया क्या है वो डोमेन कौन से होंगे तो सेक्शन वन जो हमें लैंग्वेज चूज करनी होती है तो उसमें हमें इंग्लिश ही चूज करनी है देर आर थर्टीन लैंग्वेजेस इन सेक्शन वन बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने क्या बोला कि भाई आप इंग्लिश ही चूज करोगे लैंग्वेज में पहला सेक्शन टू जो हम डोमेन है अगर आप बी ए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको डोमेन क्या चूज करना है आपको पॉलिटिकल साइंस ही चूज करना है जो आप सीटी का एग्जाम भरोगे अगर आपने उसमें साइंस ऑप्ट किया है और आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ऑप्ट किया है तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ठीक है अगर आपने साइंस के अलावा कुछ और भी चूज करिए है तो वो सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला कहती है कि भाई कुछ और मत चूज करो अगर आपको भी इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए तो आपको डोमेन में साइंस आपके डिग्री का नाम क्या है बी कोर्स कौन से है बी इंटरनेशनल रिलेशन इंग्लिश चूज करना है लैंग्वेज में डोमेन में चूज करना है पोल साइंस और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट चूज करना है आपको सेक्शन थर्ड में ठीक है उसके बाद उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर दोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं एटलीस्ट मार्क्स और इन प्लस ये बहुत लंबा है मैं आपको समझा देती हूँ हमें रीड आउट करने की जरूरत नहीं है जब आप टेन प्लस टू मतलब आपने ट्वेल्थ पास किया है ना तो आपका एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट आपकी फिफ्टी परसेंटेज आने चाहिए ये मिनिमम क्राइटेरिया फर्स्ट थिंग थिंग अगर आप एस टी से बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने रिजर्वेशन भी दे रखा है फॉर सर्टन ग्रुपन वीकर रखा है मैंने ठीक है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमने देखी है सीयूटी भी बोलते हैं कि हम एज क्राइटेरिया हमारे पास कुछ भी नहीं है कोई एज लिमिट नहीं है आप कितनी भी एज पे सी का दे सकते हो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के अलग-अलग क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो नो मैटर आपका एज कितना भी है चलेगा सीयूटी को चलेगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को चलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला क्या कहती है इट फोकसस ऑन एज उसने एज को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी है वो ये कहता है कि 17 2024 जो ये डेट होगी मतलब इस डेट तक आपने 19 इयर्स उन्नीस साल तक का ही होना चाहिए इससे ज्यादा का नहीं हो सकता द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 19 इयर्स ऑफ एज एज और उन्नीस साल का भी नहीं होना चाहिए जो कैंडिडेट है उसने उन्नीस साल भी कंप्लीट नहीं किया होना चाहिए कब तक वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसका मतलब क्या है अट्ठारह साल का मतलब हमने बोर्ड या बोर्ड देने के बाद ही इसका सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ऐसे कह रहा है डी यू नहीं कह रहे हैं एम यू नहीं कह रहे हैं जे एन यू नहीं कह रहे बी एच यू नहीं कह रहे जर्मयू नहीं कह रहे एज क्राइटीरिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल कह रहे हैं एक सात दो हजार चौबीस मतलब फर्स्ट जुलाई तक फर्स्ट जुलाई 2024 तक आपके 19 इयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए आप उन्नीस साल से छोटे ही होने चाहिए तो हमने इसमें क्या देखा हमने इसमें ये देखा कि इसमें एज क्राइटेरिया है इसमें एज क्राइटेरिया मैटर करता है दूसरी डिग्री कौन सी है फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है आई टी पी ये फोर ईयर कोर्स होता है इसमें बी एड के साथ कौन से डिग्री मिलती है हमको बी एड के साथ बी एस सी डिग्री मिलती है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं ये निकाला था नया निकाला था ठीक है इसमें डोमेन्स आपको क्या चूज करने हैं जल्दी से देख लेते हैं डोमेन सबसे पहले इंग्लिश आपको इंग्लिश ही चूज करनी है ये नहीं बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है तो मैंने मलयालम चूज कर ली है या फिर एनी क्योंकि केरला इज एसोसिएटेड मलयालम ना वहाँ की वो लैंग्वेज है या फिर एनी अदर लैंग्वेज लैंग्वेज आपने कोई भी साउथ इंडियन कुछ भी आपने चूज कर लिया नहीं ये सब चूज नहीं करना है इंग्लिश ही जो आप सेक्शन वन में लैंग्वेज चूज करोगे लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए इंग्लिश ही होना चाहिए ठीक है सेक्शन टू में हमें क्या देखना है फॉर बी ए सी बी एड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं मैथ होना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री होना चाहिए बायो होना चाहिए क्या बी सी एम बी समझ में मैथ होने चाहिए फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री होना चाहिए बायोलॉजी होनी चाहिए ठीक है और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट सेक्शन थर्ड में आपको क्या चूज करना है सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट ही चूज करना है इसका ड्यू जितना जो कोर्सेज जो डोमेन है कॉम्बिनेशन ड्यू जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है बट केरला में सबसे दिस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ठीक है आगे देखते हैं केरला इज अ वेरी नाइस प्लेस वहां पे कोचिंग भी है कि पूरा बीच वगैरह दिखता है बोर्ड रेस वगैरह होती है और अपम एविथिंग सो गुड अबाउट केरला बहुत मजा आता है केरला में ठीक है और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है इसलिए हमने सोचा आपको करवा दे डी यू पे भी एच यू पे जाम पे जे एन यू पे तो सभी करवा रहे हैं बट देर आर मेनी मेनी यूनिवर्सिटीज जो रह जाती है इस पे फोकस नहीं करते डो नॉट नीड टू वरी वी आर फॉर यू सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए कवर कर देंगे ठीक है एलिजिबिलिटी फॉर दी प्रोग्राम क्या है एलिजिबिलिटी यही है कितने फिफ्टी परसेंट मार्क्स हमने ट्वेल्थ पास करी होनी चाहिए और मार्क्स क्राइटीरिया क्या है एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट आपने मार्क्स लिए हो दूसरा इसमें क्या है कैंडिडेट शुड नॉट है आपको मिल रहा है कि आप कोई सर्टन ग्रुप से बिलोंग करते हैं एस टी से बिलोंग करते हैं इसमें थर्ड जेंडर की रिजर्वेशन की भी बात होती है अगर मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉरी रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी क्या है पास्ट क्वेश्चन आपको वो रिजर्वेशन दे रहे हैं फॉर सर्टन ग्रुप्स, ठीक है उसके बाद क्या है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपको अगर बी एस सी बी एड फोर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से जब आप अपना डेट ऑफ नोटिफिकेशन आएगी आपने आपकी एज बीस साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शुड नॉट हैव कंप्लीटेड साल से एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा है केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बाकी आ, मतलब रिलैक्सेशन दे पांच परसेंट रिजर्वेशन भी दे रहा है डोमेन क्राइटेरिया भी बहुत नॉर्मल है चार कोर्सेज भी है बट इट इज फोकस इट इज फोकसिंग वेरी मच ऑन एज एज कि भाई age तो इतनी ही होनी चाहिए इससे थोड़ी ज्यादा भी नहीं डेट भी स्पेसिफाई कर रखी कि इस डेट तक इतनी ही एज होनी चाहिए ठीक है सो so, डाउनलोड और आप हमारा ऐप है यूनिफॉर्म्स का ऐप वहां पे आपको सीयूटी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी आपको बच्चों को डाउट होता है ऑफलाइन में भी बच्चे आते हैं ऑनलाइन भी, भी पूछते हैं लाइव क्लासेस में बच्चे पूछते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है या फिर अगर हम ये वाला कोर्स चूज कर लेंगे क्या ये भी चूज करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा ये वाली यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है वो वाली यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है डू नॉट नीड टू वरी इट इज आर जॉब हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी सहायता करने के लिए बस सहायता मांगो यू नो हाथ बढ़ाओ सहायता मांगो शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो हाथ बढ़ाओ सहायता मांगो तो आप हमसे सहायता मांगो वी आर हेवर फॉर यू डाउनलोड फॉर दिस ठीक है उसके बाद हम आगे देखते हैं तीसरा कोर्स कौन सा है तीसरा कोर्स है वही फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसमें क्या है बी ए बी एड है लास्ट में हमने क्या देखा था बी एस सी बी एड था इसमें क्या है बी ए बी एड है लैंग्वेज फिर वही मलयालम मत चूज कर लेना इंग्लिश चूज करनी है ठीक है डोमेन क्या है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स चार डोमेन ऑप्ट करने हैं चार डोमेन के नाम क्या है पहले का नाम है हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी फिर पोल साइंस फिर इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है अगर आपको बी ए बी एड करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से कौन कौन सा डोमेन हो गया हिस्ट्री हो गया ज्योग्राफी हो गया पोल साइंस हो गया इकोनॉमिक्स हो गया ठीक है और सेक्शन से हमें क्या चूज करना है? सा है. है, है सारी मोस्टली कवर कर रही है डी यू भी कर रही भी भी है भी कर बी एच यू भी कर रहा है सेक्शन हैं जनरल टेस्ट तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चली जाएगा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो बस ठीक है फिर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है ट्वेल्थ पास करी होनी चाहिए भैया एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम पचास परसेंट मार्क्स तो आने ही चाहिए ठीक है रिलैक्सेशन आपको मिलेगी इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल रही है पाँच परसेंट रिलैक्सेशन मिलती है अगर आप वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं बहुत सारे इसकी क्राइटेरिया होते हैं आप इसको देखने के लिए किस सेक्शन को मिल रही है आप एक बार केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की वेबसाइट पे भी, भी जा सकते हैं ठीक है आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं जब हम आपके फॉर्म वगैरह भरवाएंगे जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगवाने हम आपको अच्छे से बता देंगे ठीक है डो नॉट नीड टू वरी एक और फिर से एज क्राइटेरिया की बात हो गई कि कैंडिडेट ने 20 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी हो कब ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन जब एग्जाम नोटिफिकेशन होगा तो 20 साल से ज्यादा उसने कवर नहीं किया बीस साल से कम का ही उसकी एज होनी चाहिए ठीक है अब हम इसका लास्ट कोर्स देख लेते हैं जल्दी से ही हो गया चार कोर्स ही करवा रहे हैं जल्दी से हो गया ठीक है फोर्थ कोर्स कौन सा है फोर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आई टी पी इसको ये कहते हैं बीकॉम बी, बी एड अगर किसी को करना हो यहां से बीकॉम बीएड के क्राइटेरिया क्या है बीकॉम बी, बी एड का क्राइटेरिया ये है क्या लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है नॉट मलयालम बट इंग्लिश नॉट मलयालम बट इंग्लिश ठीक है सेक्शन टू डोमेन में क्या चूज करना चाहिए अकाउंटेंसी होनी चाहिए आपके पास बीकॉम की बात हो रही है अकाउंटेंसी है बिजनेस स्टडीज है है इकोनॉमिक्स यहाँ पे कितने डोमेन चूज uh, करने करने हैं हैं हमें तीन domains को ऑप्ट कौन कौन सा अकाउंटेंसी होना चाहिए बिजनेस स्टडीज होना चाहिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए ठीक है और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट इट इज कॉमन फॉर ऑल सेक्शन थर्ड में क्या आता है जनरल टेस्ट आ जाता है ठीक है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपने ट्वेल्थ पास करी हो एटलीस्ट पचास परसेंट आपने स्कोर किया हो ठीक है आप तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कितना रिलैक्सेशन मिलते हैं ऑन एन एवरेज पांच परसेंट तो वो दे ही रहे हैं ठीक है थीके? और एज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला कर रही है जो मैं डी यू नहीं कर रही है जम ए नहीं कर रही है बी एच डी नहीं कर रहे हैं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला क्या कर रही है वो एज पे फोकस कर रही है ठीक है वो एज पे फोकस कर रही है जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी स्टूडेंट्स के लिए जब उस ए, जो डेट निकलेगी, जब तक उसने 20 साल की उम्र से ज्यादा कंप्लीट नहीं किया एटलीस्ट मिनिमम 20 साल से कम का ही होना चाहिए ठीक है चार इसमें सॉरी uh, चार ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बाद भी ना ही समझ में आए रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ाई में दिक्कत हो कि अकाउंटेंसी कैसे करना है जीटी कैसे करना है बॉल साइंस कैसे करनी है सोशोलॉजी कैसे करना है डो नॉट नीड टू वरी इस वीडियो के आप नीचे देखेंगे हमारी सारी इंफॉर्मेशन uh, अवेलेबल है कम्यूटर्स हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं फॉर्म भी फिल करवाएंगे, सीयूटी सिलेबस भी करवाएंगे बोर्ड सिलेबस भी करवाएंगे आई होप समझ में आए हो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और सब्सक्राइब करिए यूरी यूरीमोंगस के चैनल को फॉलो करिए यूरी यूरिमोंग्स के चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट थैंक यू